तो नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि आज मैं आपको वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूँ कि मेरे पास एक कीपैड का मोबाइल फ़ोन आया है। ये कीपैड का कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, अगर इस कीपैड के मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती है कि मतलब पासवर्ड लगा हुआ है, क्या दिक्कत है पासवर्ड लगा हुआ है, या इन मोबाइल फ़ोन में एक और प्रॉब्लम आती है फ़ोन में नेटवर्क की बहुत समस्या आती है कि नेटवर्क नहीं आते, या फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि फ़ोन हैंग हो रहा है, लोगों पर खड़ा हो गया, सैमसंग लिख करके रुक गया, रीस्टार्ट होने लगा, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये सारी प्रॉब्लम जो आती हैं अपनी सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रॉब्लम आती हैं। इस मोबाइल फ़ोन में कैसे सॉफ्टवेयर करेंगे, ये हमारे पास जावा कंपनी का मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर जावा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। उस सॉफ्टवेयर की जो फाइल होती है ये 10 से 12 15 MB की फाइल होती है। इस फाइल को हम लोग नेट से डाउनलोड करते हैं। नेट से डाउनलोड करने के बाद हम क्या करते हैं, फ्लैश करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, इसको फ्लैशिंग करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे इस मोबाइल फ़ोन में CPU कौन सा लगा हुआ है, क्योंकि CPU क्या है, इस मोबाइल फ़ोन को रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट है, मतलब मेथड है, प्लेटफॉर्म है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे क्या है कि भैया आपको खाना खाना है तो तुरंत दिमाग में आ जाता है कि भैया दाल रोटी खानी है, ये दिमाग में आ जाता है, मेथड है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको कोई रजिस्टर कैपेसिटर खाना है। उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर डालना है तो सॉफ्टवेयर डालने का आपको प्लेटफॉर्म तुरंत समझ में आना चाहिए कि इसका प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए। तो इसके अंदर SPD CPU लगा हुआ है। SPD का मतलब होता है Spectrum CPU लगा हुआ है। अब Spectrum CPU को पहली बात तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा तरीका समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, फ़ोन को क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर लेंगे। जब आपका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो स्विच ऑफ करने के बाद ये फ़ोन बंद नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ऑफ़ करते हैं। जब हमारा फ़ोन ऑफ हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करा करके देखेंगे, अपने सिस्टम से ही कनेक्ट कराएंगे। अगर नहीं ऐसे बंद हो रहा है तो हम इसकी बैटरी हटा के भी बंद कर सकते हैं ईजिली। और दूसरी बात क्या, आप इधर आइए, पास में दिखाइए सर को, इसके अंदर Spectrum CPU लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे गौर से लिखा हुआ है Spectrum, ऐसा लोगो बना हुआ है, तो इसके अंदर Spectrum CPU है। और इस फ़ोन में मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है। मैंने जैसे इसको चालू किया, ऑन किया, ऑन करने के बाद हमारे पास सैमसंग B313E मॉडल है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है, पासवर्ड लगा हुआ है। अब पासवर्ड लग गया, कस्टमर पासवर्ड नहीं खोल पा रहा है, बहुत इसका लॉक तोड़ना इतना आसान है, बस लोगों को पता नहीं होता। सबसे पहले क्या करना है, फ़ोन को आपने फिर बंद करना है, स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन को। बंद करने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर SPD CPU लगा हुआ है। SPD CPU के लिए हमको SPD का फ्लैश टूल इस्तेमाल कर लेना पड़ेगा। SPD को फ्लैश टूल को कैसे इस्तेमाल करेंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। SPD को फ्लैश टूल इस्तेमाल करिए करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, कि कंप्यूटर स्क्रीन को हमने ऑन किया। कंप्यूटर स्क्रीन ऑन करने के बाद फिर हम लोग SPD फ्लैश टूल को ओपन करेंगे। ये हमारा टूल होता है, इस तरीके से ऐसा ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद फिर आप जब नीचे आएंगे तो इस तरीके का इसका अपग्रेड डाउनलोडर करके ओपन हो जाएगा। आप इसे क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, ये देखिए ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें फ़ाइल को लोड करना है। क्या करना है भैया, फ़ाइल को लोड करना है। फ़ाइल लोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोड पैकेट में जा कर के क्लिक करेंगे और इस फाइल को आपको नेट से डाउनलोड करना है। गूगल से जा कर के फाइल को डाउनलोड करेंगे। जैसे मेरे पास ये B313E करके फ़ाइल पड़ी, हमने इसको खोला, इसके अंदर ये पैक फाइल नाम से इसे फाइल को ओके किया, ये फ़ाइल हमारी क्या हो गई, लोड हो गई। जैसे फ़ाइल लोड हो गई उसके बाद आपको क्या करना है, इस मोबाइल फ़ोन को हमें क्या करना है, स्विच ऑफ करना है। फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया, फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद आपने क्या करना है, फ़ोन को बंद करना है। इस डाटा केबल को कंप्यूटर इंसर्ट करनी है। ये बात आप ध्यान रखिए, जो भी आप डाटा केबल इस्तेमाल करेंगे वो डाटा केबल बेहतर क्वालिटी की होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो डाटा को ट्रांसफ़र कर सके। आप देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट करना है, ये फ़ाइल आपने लोड कर दिया। फाइल लोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कर देना है ऐसे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको जैसे स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर देखिए ऐसा रेडी करके लिख करके आ जाएगा। जब रेडी लिख करके आ जाएगा आप क्या करेंगे, इसके होम वाली बटन को दबाएंगे। होम वाली बटन को दबाने के बाद क्या करेंगे, जैसे कनेक्ट करेंगे
ये देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोसेसिंग चालू हो गई है। ये हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोसेसिंग चालू हो गई है, फ्लैशिंग चालू हो गई है कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन हमारा पूरा फ्लैश हो रहा है। ये फ्लैश करने में 1 मिनट 2 मिनट तक का समथिंग समय लग जाता है, डिपेंड करता है सेट के ऊपर, फाइल के ऊपर। जितने भी सारे स्पीडी सीपीयू के मोबाइल फ़ोन आते हैं जिसके अंदर स्पेक्ट्रम प्रोसेसर लगा हुआ होता है, उस स्पेक्ट्रम प्रोसेसर के अंदर हमारी डॉट पैक नाम से फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये फाइल सारे मोबाइल फ़ोन के अलग अलग सॉफ्टवेयर फाइल होती हैं, उसे आप गूगल से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सैमसंग के मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करने का, अनलॉक करने का तरीका सिखाया हुआ है, उसी तरीके से आप जितने भी आईटेल के मोबाइल फ़ोन आते हैं या इंटेक्स के मोबाइल फ़ोन आते हैं, कार्बन के मोबाइल फ़ोन आते हैं, अगर उसके अंदर इसी तरीके से स्पेक्ट्रम सीपीयू लगा होता है तो आप उसको इजीली आसानी से आप क्या कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं। फ्लैश करने में उसका मतलब है कि उसके अंदर पासवर्ड से संबंधित कोई समस्या है या फ़ोन हैंग हो रहा है, लोगों पे खड़ा हो गया, रीस्टार्ट हो गया, स्लो वर्किंग है, इस तरीके से कोई भी अगर ऐसी डिफ़िकल्ट समस्या आती है तो उस डिफ़िकल्ट समस्या को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब मैं आपको ये पूरा प्रोसेस हो जाने दीजिए, पूरा प्रोसेस होने के बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से पूरा फ़ोन फ्लैश हो गया है, फ्लैश होने के बाद कैसे अनलॉक हो गया, ये सारी चीज़ें। तो सर मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप रिपेयरिंग, इस तरीके से आपको पूरा कम्प्लीटली ट्रेनिंग दिया जाता है। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का जो कोर्स रहता है वो पूरा 2 से 3 महीने का कोर्स रहता है, और 2 से 3 महीने का या क्या मतलब रहता है कि बच्चे 45 दिन के अंदर मोस्टली पूरा सीख जाते हैं। 45 दिन के अंदर हम बच्चों को हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, MMC रिपेयरिंग है, OCA रिपेयरिंग है, या बेसिक लेवल से आप एडवांस लेवल की ट्रेसिंग लेवल हो गया, सर्किट लेवल हो गया, सीमेटिक हो गया, तो हम आपको बेसिक फ़ोन से लेकर स्मार्टफोन तक की आपकी पूरी कम्प्लीटली ट्रेनिंग देते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो सारी आपको पूरा कम्प्लीटली ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे आपको पूरी ट्रेनिंग मिलती है। 45 दिन में आने का मतलब है आप पूरा सीख कर ही जाते हैं। जो क्लासेस चलती हैं वो पूरा फुल डे क्लासेस चलती हैं। फुल डे का मतलब क्या होता है कि 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक क्लासेस चलती हैं, जिसमें बच्चे क्या होता है दिन में 6 घंटे 8 घंटे क्लास करते हैं, मतलब पूरा दिन सीखते हैं। क्योंकि आप लोग भाई लोग जो आते हो तो मतलब पूरा दिन सीखने के लिए ही आते हो, तो आप लोग चाहते हो कि हमारा कोई समय ऐसा वेस्ट ना जाए, कोई भी समय ऐसा जाया ना जाए कि हम लोग आराम से बैठ करके अपना समय को नष्ट करें, ऐसा हम कोई मतलब नहीं है। आप अपना आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, जल्दी से जल्दी सीखेंगे। बाकी तो कोई सीखने सिखाने की चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, कोई मैं ऐसा तथ्यों पर यह भी नहीं कह सकता कि नहीं आप 45 दिन में मास्टर ही बन जाएंगे, लेकिन मेरी तरफ से 100% क्वालिटी एफर्ट्स ये रहता है कि आप 45 दिन में सीख करके ही जाएंगे। हो सकता है आपके अंदर कोई वीकनेस रह जाती है, कोई कमजोरी रह जाती है, हो सकता है कोई काम करने में आपको परेशानी हो। भाई देखिए एक हाथ में 5 उंगली होती है, 5ों कभी बराबर नहीं होती ज़िंदगी में, बस ये रहता है कोई कम होती है कोई ज़्यादा होती है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को लेट समझ में आ जाता है। जिसको जल्दी समझ में आता है तो अपना जल्दी सीख करके चला जाता है, जिससे लेट समझ में आता है तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने 2 महीने जो भी समय लगता है तो वो अपना समय दे करके जाता है और पूरा कम्प्लीटली सीख करके जाता है। कोर्स के दौरान आपको टूल किट वगैरह सब चीज़ यहीं से मिलती है, स्टडी मटेरियल सब कुछ यहाँ से मिलता है, प्रैक्टिस के लिए मोबाइल फ़ोन आपको यहीं से मिलते हैं, जो भी रिपेयरिंग के लिए बोर्ड वगैरह इस्तेमाल करे जाते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलती है। तो जितने भी मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी समस्या आती है तो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपको सिखाया जाता है। ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन नहीं दुनिया जान में जो आपसे न रिपेयर हो। जैसा मैंने आज की वीडियो में मैंने आपको समझा हुआ कि किस तरीके से सैमसंग के मोबाइल फ़ोन को हम लोग आसानी से उसे फ्लैश करेंगे या अनलॉक करेंगे। जितने भी सारे हमारे पास कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन आते हैं, कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन को एक्चुअली जो हम फ्लैश करते हैं इसे ही हमारा वो अनलॉक हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो पासवर्ड लगा होता है, जैसे फ़ोन फ्लैश होगा, फ्लैश होने के बाद वो इरेज होता है, इरेज होते उसमें नया सॉफ्टवेयर डल जाता है, हमारा फ़ोन क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो मोस्टली ज़्यादातर जितने भी सैमसंग के कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, B313, B313e, मेट्रो जो भी फ़ोन आ रहे हैं, सबके अंदर स्पीडी सीपीयू इस्तेमाल हो रहा है। स्पीडी सीपीयू के लिए हम लोग बस फाइल को नेट से डाउनलोड करना है, नेट से डाउनलोड करने के बाद जो उसका फ्लैश टूल होता है, जैसे अगर SPD है तो स्पेक्ट्रम अपग्रेडर या SPD अपग्रेडर इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा फ़ोन को हम क्या कर देते हैं, फ्लैश कर देते हैं। जैसे फ़ोन को फ्लैश कर देंगे हमारा फ़ोन फ्लैश हो जाएगा और हमारे फ़ोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब देखिए ये मैंने आपके सामने अभी मोबाइल फ़ोन को मैंने फ्लैशिंग पे लगाया है, और फ्लैशिंग लेने के बाद अगर आप देखेंगे इस तरीके से ऐसा पास का मैसेज आ जाता है, अगर आप गौर से देखेंगे, सभी लोग को दिखाइए,
ये देखिए आपके स्क्रीन पे मैसेज आ गया है, देखिए ये मैसेज आ गया पास का, फिनिश हो गया, पास हो गया है। फिनिश पास होने के बाद हम क्या करेंगे, ये मोबाइल फ़ोन है, हमने इसको हटाया। हटाने के बाद आपको क्या करना है, एक बार बैटरी को उसको डिस्कनेक्ट करना है, फिर से आपको बैटरी लगाना है, बैटरी लगाने के बाद चालू करना है। अब चालू हो गया, चालू होने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन हुआ कि नहीं ऑन हुआ। इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, एक बार पूरा इसको टेस्ट करेंगे। देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन अनलॉक हो चुका है। हमारे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी, हमारे फ़ोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मैं इसको आपको दोबारा बंद करके चालू करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने इस मोबाइल फ़ोन में आपकी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी, उसको मैंने किस तरीके से आसानी से उसको अनलॉक किया, ये मैंने आपको दिखाया हुआ वीडियो में। इस तरीके से कोई भी मोबाइल फ़ोन होता है, उस मोबाइल फ़ोन को फाइल को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल डाउनलोड करने के बाद आप उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों कि आज के वीडियो में आपको सारा सब कुछ, मैं ऐसा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आ जाती है तो हमारा नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 6391711711 6391211211। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने वाले टेक्नीशियन होते हैं, अगर उनको कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप मुझे फ़ोन करके हेल्प ले सकते हैं, कोई चीज़ पूछ सकते हैं। अगर आप वो कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। दूसरी बात क्या, सिखाने के साथ साथ आपको हमेशा यहाँ पर लाइफ टाइम सपोर्ट दिया जाता है। लाइफ टाइम सपोर्ट होने का मतलब क्या रहता है कि आप ज़िंदगी भर जुड़े रहते हैं हमसे, कभी कल को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो आप हमसे आकर के उस चीज़ के बारे में सीख सकते हैं। उससे कभी भविष्य में आपको कोई पैसा, कोई चार्जेस आपको नहीं दिया जाता है। या को सीखने के बाद भी अगर आप अपनी शॉप पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है तो भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आती है तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। या मुझे इस लाइन में 16 साल हो गया सर काम करते करते, ट्रेनिंग देते देते 16 साल पूरे हो गए। और आज 16 साल में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 10 साल 12 साल से मेरे इस लाइन में जुड़े हुए हैं कि 10 साल 12 साल हो गए उनको काम करते करते, 14 साल हो गए काम करते करते, वो सारे स्टूडेंट्स हैं आज पूरा जुड़े हुए हैं। आप एक ग्रुप बना है, उस ग्रुप में आप जुड़ जाते हो, उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर मैं बैच में किसी कारण बस बिजी रहता हूँ या कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपने अगर डाला है तो आपको सपोर्ट मिलेगा मिलेगा। दूसरी बात क्या होता है, हम जितने भी सारे रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन भाई होते हैं, कभी ज़िंदगी में कोई भी आदमी कभी पूरा नहीं होता। हाँ, बस ये रहता है कि कोई चीज़ किसी को मिल जाती है, कोई चीज़ किसी को पहले मिल जाती है। बस हमको क्या करना होता है, अपनी नॉलेज को एक दूसरे को साथ में क्या करते रहना है, शेयर करते रहना है। क्योंकि जितनी ज़्यादा नॉलेज शेयर करोगे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कोई ऐसा फॉल्ट आता है जो मेजर फॉल्ट होता है, हो सकता है मुझे ना मिल पाए या आपको ना मिल पाए या कोई और बंदा है उसको फॉल्ट मिल गया, तो वो फॉल्ट क्या काम करता है, ग्रुप में शेयर कर देता है। तो ग्रुप में शेयर होने से क्या होता है, या उसका वीडियोस आ जाता है तो ग्रुप में शेयर होने से आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पूरी जानकारी मिल जाती है। तो कल को जब आपके पास वो मोबाइल फ़ोन आएगा तो उस मोबाइल फ़ोन के लिए आप अलर्ट हो जाएंगे, ये अलर्ट हो जाएंगे भैया देखिए ये प्रॉब्लम मैंने देख रखी है और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम उन्होंने भैया ने ऐसे करी थी, अब मेरे पास भी फ़ोन आएगा तो मैं इसी तरीके से करूँगा। तो आपके लिए क्या होता है, एक माइंड मेकअप हो जाता है, एक माइंड सेट हो जाता है कि हमको इस तरीके से रिपेयरिंग करना है। तो ये अपना पूरा सिखाने का तरीका होता है। 100% में से पूरा 70% कोर्स पूरा प्रैक्टिकली रहता है। बेसिक हो गया, सर्किट सेमेटिक हो गया, ट्रेसिंग हो गया, ट्रबल शूटिंग हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, आपका सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग हो गया, हार्डवेयर रिपेयरिंग हो गया, MMC लेवल की रिपेयरिंग हो गई, आपकी पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग मिलती है। तो इस तरीके से आज जैसे मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से जिनसे मिलाऊंगा जिनका नाम है अल्तमस,
मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने हो गए उनको कोर्स करते करते, और आज उन्होंने अपने पूरा कोर्स काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे पास प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के साथ साथ वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगे कि कैसा उन्होंने सीखा हुआ है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अतम है और मैं सर के पास ट्रेनिंग के लिए आता था। मैंने अपने दोस्त के माध्यम से सर के साथ कॉन्टेक्ट करा, सर से बात करी, और सर से बैठ के मैंने बात करने के बाद मुझे पता चला सर ने मुझे बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैंने कहीं सर पता भी करा था कि वहाँ पे कैसे सिखाया था, कैसे नहीं सिखाया था, लेकिन कहीं जगह जाने के बाद मुझे पता चला कि चीज़ों को कैसे डिटेल में नहीं सिखाया था। सर के पास मैं आया, सर के पास मैंने डिटेल में समझाया सर ने मुझे, और डिटेल में समझाने के बाद सर ने मुझे हर चीज़ को बारीकी समझाया। आज मैं सर के पास ज्वाइन हूँ। मेरे सर ने पौधा करा था भैया 3 महीने में सीख जाओगे, लेकिन मैंने हार्ड वर्किंग करी और सर ने मुझे इतना डिटेल में समझाया, इतनी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाया कि आज मुझे 1.5 महीना हो चुका है और मैं सारे लगभग काम कर लेता हूँ मोबाइल के। मुझे आईसी वर्क आता है, मैं हार्डवेयर में सारा काम कर लेता हूँ और मैं सॉफ्टवेयर काम भी बहुत क्लियर हो चुका है। बाकी सर की मेहरबानी, सर मुझे अपना दया बनाए रखेंगे, आगे तक मैं ऐसे काम करता रहूँगा। और मुझे ये था कि बिज़नेस कैसे प्लान करता है, बिज़नेस कैसे होता है, और मुझे था कि कैसे करना था बिज़नेस को। मैं सर के पास आया, सर ने मुझे राय दी बिज़नेस कैसे करना होता है, और बिज़नेस आज मेरे लिए इतना आसान हो चुका है कि मैं कुछ भी बिज़नेस लाइन में कर सकता हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग में सर ने मुझे बताया कि ये काम ऐसे होगा, इसको हर चीज़ को बारीकी समझाया। मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा, सर के पास आएँ, उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनसे बात करें। देखिए दोस्तों, बात करने में कुछ नहीं आता, बात करने को आपको पैसे नहीं लगता है, बस आएँ सर के पास आके बात करें। अगर आपको अच्छा लगता है सर के साथ जुड़िए। बाकी मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा। तो जैसा कि आज वीडियो में देखा आपने, सारी चीज़ आपको समझ में आई। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज अपना सीख करके जा रहे हैं, अपना पूरा कोर्स कर रहे हैं, इसी तरीके से कोर्स अपने पूरा कंप्लीट कर रहे हैं और आज अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सर, मेरे पास क्या रहता है कि जितने भी मोबाइल फ़ोन के सारे सॉफ्टवेयर टूल होते हैं, या कोई भी हार्डवेयर टूल हैं, या कोई भी ए से लेकर जेड तक जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग या आईसी लेवल रिपेयरिंग करने में इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, वो सारी चीज़ें सर आपको क्लास में मिल जाती हैं। दूसरी बात, अगर आप पर्सनली लेना चाहते हैं तो भी वो आपको मिल जाता है। इससे फ़ायदा ये रहता है कि ताकि हम कल को काम करने जा रहे हैं तो हमको ये परेशानी नहीं आती कि अरे ये सामान भैया कहाँ मिलेगा, कैसे लेना होगा, क्या होगा। जो मार्केट रेट में होता है सेम आपको उसी रेट में कम से कम प्राइस में आपको सारा सामान मिल जाता है, चाहे वो OCA मशीन क्यों ना हो, चाहे 855 DW मशीन क्यों ना हो, चाहे IC की सारी स्टेंसिल क्यों ना हो, या आपके सारे सॉफ्टवेयर टूल्स हो गए, UMT हो गया, MRT हो गया, और आपका डोंगल सारी हो गई, Z3X हो गया, JTAG हो गया, जो भी सारे सॉफ्टवेयर टूल्स आते हैं वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप लोग मुझसे ले भी सकते हैं। और आप मेरे साथ जुड़ करके एक अपना एक अच्छा ऐसा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं कि जिसे बोलते हैं लाइफ टाइम काम करते रहना। लाइफ टाइम आदमी दो ही रूपों में काम कर पाता है। एक तो पहला तरीका वो होता है कि जो ज़िंदगी भर से काम कर रहा हो, जिसे मुझे 15-16 साल हो गया, ऐसा नहीं कि कोई चूरन बेचने वाला काम है कि 1 साल किया, 2 साल किया, काम बंद कर दिया, फिर स्टार्ट कर दिया, मेरी पूरी ज़िंदगी हो गई, मुझे 16 साल हो गए काम करते करते। दूसरी बात क्या रहता है, जब आप पूरा कम्प्लीटली सीख जाते हो तो ही आप पूरा काम करते हो, वरना लोग काम सीख लेते हैं, काम सीखने के बाद 2 महीने 3 महीने 6 महीने दुकान चलाते हैं, दुकान का बंद करके घर बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि उनके पास कस्टमर आता है, कस्टमर फ़ोन ठीक नहीं होता, फ़ोन वापस होता है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, या उनको कोचिंग की तरफ से, ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता कि उनको परेशानी होती है कि काम कर नहीं पाते, और उनको ये भी नहीं सपोर्ट मिलता कि भाई कोई परेशानी आ रही है, कोई नया इक्विपमेंट्स आ गया, कोई नया टूल आ गया, उनको सिखाने के नाम पर बार बार पैसे लिए जाते हैं, या कहते हैं नहीं हमारे पास नहीं होता, वहाँ से जा कर के ले लो। अरे भैया, जब वहाँ से जा कर के ले लेंगे तो वो बोलेगा ट्रेनिंग हमसे लेनी पड़ेगी, अब ट्रेनिंग उससे लोगे, अगर आप उसके पास जाओगे तो बोलेगा कि सामान ख़राब ले आए हो। हम क्या काम करते हैं, इसी चक्कर में झूलते रहते हैं, कभी इस पलटन में जाते हैं, कभी उस पलटन में जाते हैं, लेकिन हम आपको कहते हैं सारा सामान मेरे पास मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं, कंप्लीट उसकी ट्रेनिंग मिलती है। और अगर आप कोई भी सामान हम आपको ज़िंदगी में तभी देना पसंद करते हैं या देते हैं जब तक हम आपको उसकी ट्रेनिंग ना दे दें। अगर हमने आपको ट्रेनिंग नहीं दी तो समझ लीजिए हम आपको सामान नहीं देने वाले, ना तो हम आपको सामान देने की सलाह देते हैं, ना आपको सामान देने की बोलेंगे। पहले हम आपको वो सामान को ऑपरेट करना, उसको चलाना, उस पर काम करना, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। जब आप वो सीख जाएंगे तभी हम आपको टूल्स को प्रोवाइड कराएंगे या टूल्स लेने की सलाह देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और ये मैं ETEC से कानपुर से बात कर रहा हूँ। तो 6391711711 पर इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या कभी भी कोई भी परेशानी आए तो उस परेशानी को मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। ओके दोस्तों।